एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर जीत दर्ज होते ही भाजपाइयों ने जमकर खुशियां मनाई। इधर बिष्टुपुर स्थित सांसद कार्यालय में जिला से लेकर प्रदेश स्तर के पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी व आम लोगों ने लड्डू वितरण कर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की है। उनके जीत की खुशी में हर तरफ जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जनजाति से महिला उम्मीदवार ने राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल किया है। पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी आम लोगों के साथ साथ भाजपाइयों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बिष्टुपुर स्थित सांसद कार्यालय में सांसद की अनुपस्थिति में सांसद प्रतिनिधि समेत पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाते नजर आए। वहीं जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार ने बताया कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी से राष्ट्रपति पद पर काबिज होना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि इसी खुशी में सारे लोग जश्न मना रहे हैं। का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही गौरवशाली दिन है, यह गौरवशाली पल है। आज देश की राष्ट्रपति पद पर पहली बार भारत के इतिहास में एक महिला जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी से आती है उसका निर्वाचन हुआ है, और पूरे देश के जनता में, आम जनता में एक उत्साह है, एक उत्साह का लहर है, और सभी पूरा देशवासी आज खुश हैं। और उसी खुशी में आज उनके निर्वाचन के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहां पर सांसद कार्यालय के समक्ष लड्डू का वितरण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनता यहां जुटी हुई है, आतिशबाजी भी हो रही है। माननीय सांसद महोदय दिल्ली के लोकसभा के सत्र में शामिल होने के लिए गए हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में तमाम कार्यकर्ता जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और जनता भी हैं, यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, राजेश शुक्ला जी उपस्थित हैं, प्रदेश के मंत्री रीता मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में अनेक मंडलों से आए हुए अध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित हैं। सबके साथ मिलकर हम सभी यहाँ इस गौरवशाली क्षण में, इस पल में हम सभी इस आनंद को उठा रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।